नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरल ऐप के माध्यम से हमें ओएमआर सीट कैसे स्कैन करनी है और कैसे हमें निपुण असिस्टेंट टेस्ट सरल ऐप के माध्यम से पूर्ण कराना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्ले स्टोर से जाकर हमें सरल ऐप डाउनलोड करनी है और सरल ऐप को ओपन करना है। जैसे हम सरल ऐप ओपन करेंगे तो सबसे पहला जो पेज है उसका इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने। इसमें स्कूल आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आप हमें वही फ़ोन नंबर डालना है जो हमारा डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है, तो स्कूल आईडी और पासवर्ड हमारा सेम होगा। जैसे ही हम स्कूल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद हमारा ये वाला पेज इंटरफेस ओपन हो गया है। इसमें हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्लास सिलेक्ट करने का। जिस भी क्लास का हमें स्कैनिंग करनी है हम वो क्लास यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने क्लास वन सिलेक्ट की, सेक्शन हमेशा ए ही रहेगा और सब्जेक्ट में हमें हमारे मंडल का नाम डालना है। जैसे हमारे मंडल का नाम सहारनपुर है तो हम सहारनपुर मंडल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं हमारे जो कक्षा एक के बच्चे प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पर ये 1137 6551 ये प्रेरणा आईडी है, छात्र की आईडी है जो हमें हमारा जो ओएमआर शीट मिलेगी उसमें भरनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है मार्क एज एबसेंट, तो एनईटी असेसमेंट टेस्ट वाले दिन जो स्टूडेंट एबसेंट होंगे उन्हें हमें मार्क एज एबसेंट पर क्लिक करना है और बाकी स्टूडेंट्स को हमें ओके करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम सभी स्टूडेंट की छात्र आईडी एक पेपर पर नोट कर लेंगे ताकि हम ओएमआर शीट में इसको फिल कर सकें। अब जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं एक नया पेज ओपन हो गया है। इसमें देखिए क्लास लिखी है, सेक्शन लिखा है, एग्ज़ाम डेट लिखी है, सब्जेक्ट लिखा है, एग्ज़ाम टाइप, ये सब डिटेल मेंशन है। अभी देखिए स्कैन स्टेटस पे जीरो आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने कोई पेपर स्कैन नहीं किया है। जैसे ही हम पेपर स्कैन कर सेव करेंगे तो यहाँ पर हमें नंबर शो हो जाएंगे जितने हमारे नंबर हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमें ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है, इसके बाद हम ओएमआर शीट कैसे स्कैन करनी है वो बात करेंगे। देखिए ये हमारी कक्षा एक से तीन की जो ओएमआर शीट हमें यूज़ करनी है वो ओएमआर शीट हमारी इस प्रकार की होगी। इसमें हम एक सीट पर 8 बच्चों का हम एक साथ कर सकते हैं और उसको फिर स्कैन कर सकते हैं। देखिए इसमें सबसे ऊपर टॉप पे लिखा है कक्षा और सेक्शन, यहाँ पर हम कक्षा लिखेंगे और सेक्शन में हमेशा हम ए ही लिखेंगे। प्रश्न पत्र का सेट जो हमारे क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। छात्र आईडी वाले कॉलम में हम वो छात्र आईडी लिखेंगे जो सरल ऐप से हमें मिली है, जो हमने अभी एक पेपर पर नोट की थी। अब देखिए यहाँ पर 1 से 13 तक क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अगर किसी कक्षा को क्वेश्चन कम है, अगर 13 से कम है तो हम बाकी को खाली छोड़ देंगे। मान लेते हैं अगर 10 क्वेश्चन है तो हमें 10 में ही गोला भरना है, 11, 12, 13 को खाली छोड़ देना है। अब कक्षा एक में हमारे ऑब्जेक्टिव नहीं है तो उसमें हमें कैसे करना है कि अगर बच्चा सही आंसर दे रहा है तो गोला भर देंगे और गलत आंसर पर हम गोला खाली छोड़ देंगे। तो इस तरह हमें ये ओएमआर शीट फिल करनी है। अब इसके बाद बात करते हैं कक्षा 4 से लेकर 8 तक की। अब यहाँ पर हमें हर बच्चे की अलग ओएमआर शीट फिल करनी है। वहाँ पर हम एक शीट पर 8 बच्चों का रिकॉर्ड डाल सकते थे, यहाँ पर हर बच्चे का अलग अलग रिकॉर्ड आएगा। यहाँ पर भी देखिए सबसे ऊपर छात्र आईडी का कॉलम है, वो हम सरल ऐप से ले लेंगे। छात्र का नाम, प्रश्न पत्र सेट हम लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए हर प्रश्न के सामने हमें ए बी सी डी 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें जो बच्चे को सही विकल्प होगा उस पर बच्चा गोला भर देगा। तो इस तरह यहाँ पर 4 से 8 तक के लिए अलग अलग ओएमआर शीट भरी जाएगी। अब बात करते हैं कि ओएमआर शीट हमें सरल ऐप से कैसे स्कैन करनी है। अब ओएमआर शीट फिल करने के बाद हम कंटिन्यू स्कैन पर क्लिक करेंगे और स्कैन करने के बाद हम उसको सेव कर देंगे। तो इस तरह हमें एनईटी निपुण असेसमेंट टेस्ट सरल ऐप के माध्यम से कराना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आसान भी है। तो धन्यवाद साथियों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, हमारा समझाने का मेथड पसंद आया होगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।